हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में श्रवण कराते हैं। पंडित देवेश पाराशर के द्वारा आप श्रवण करोगे। भगवान शंकर जी का सोमवार के दिन 16 सोमवारों के व्रत किए जाते हैं। मृत्यु लोक में बभाय करने की इच्छा करके एक समय में भूतनाथ भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश अंतर अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां महाराज का बनाया हुआ अति ही रमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर जी माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न देकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आप तो हम दोनों 64 खेलते हैं। भगवान शंकर जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और 64 खेलने लगे। उसी समय स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, भगवान शंकर जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई, पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत ही समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोड़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी श्राप बस पुजारी के शरीर से कोड़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं भगवान शंकर जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी और पुजारिन कष्टों को देकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच यह बात उन्हें कह दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम बहुत दुखी मत होना। भगवान शंकर जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब बातों को श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो, तब तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी। पुजारी अप्सराओं को हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत को करें। स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने, आधा सिर गेहूं का आटा लें, 3 भाग बनाएं, घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन चावल आदि से पुष्पादियों के द्वारा व्रत काल के समय भगवान शंकर जी का विधि से पूजन करें। भगवान शंकर जी को अर्पण करें। बाकी 2 भगवान शंकर जी के प्रसाद समझकर उपस्थित जनों को बांट दें। आप भी उसका प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17 सोमवार के दिन पाप से पवित्र गेहूं के आटे को बाटी बनाएं, घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, भगवान शंकर जी का भोग लगाकर भक्तों में बांटें, प्रसाद ही को दें। भगवान शंकर जी की कृपा से उसकी सभी मनोरथें पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किए। भगवान शंकर जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद भगवान शंकर जी माता पार्वती उसी मंदिर में पधारे। जब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने व्रत की विधि बताने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। उनके झूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने ही विचार परिवर्तन को रहस्य जानने की इच्छा से माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपको आकर्षित हो। पार्वती ने बड़ी ही 16 सोमवार व्रत
की कथा को श्रवण कराया। कार्तिकी जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा। प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया, हमें उनके मिलने की बहुत इच्छा थी। कार्तिकी जी ने उस व्रत को किया, उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने उस मिलन का भेद कार्तिकी जी से पूछा। बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किए थे। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकी जी ने व्रत की विधि पूछी, यथाविधि व्रत बता दिया। व्रत के प्रभाव से जब किसी को कारवश विदेश गया हो, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संग्रहित हाथियों द्वारा माला डाली जाएगी, उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शंकर जी ने ब्राह्मणों को स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में और बैठ गया। नियत समय पर हाथ नहीं आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार व्रत किए थे, जिनके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पुत्र की कामना भगवान शंकर जी का व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उनके घर में एक अति ही सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति ही प्रसन्न हुए, लालन पालन सभी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन माता ने प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरा जैसा पुत्र तेरे घर से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि के बारे में पुत्र को सन्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सरल व्रत से इस तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत को सुना। वह व्रत को राज अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि पूजन करने लगा। उसी समय एक देश का वृद्ध राजा के दूतों ने अपनी उस राजकन्या के लिए उसका वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करने को बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिगंगत हो जाने पर यही बालक गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी होकर भी ब्राह्मण को अपने 16 सोमवार के व्रत के करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर भगवान शंकर जी को चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उनकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों के द्वारा सामग्रियां शिवालय भिजवा दी, आप नहीं गई। तब राजा ने भगवान शंकर जी का पूजन समाप्त किया। तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस रानी की राजमहल से निकाल लो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्र मंडलाग्रह में आकर अपने सभासदों को बुलवाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई है, राजा ने अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मित दुख में डूब पड़े, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है, राजा उसी को निकालने के लिए जाल रचता है, कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव से कोसती हुई नगर से बाहर हुई। बिना पदत्राण फटे हुए वस्त्र पहने हुए भूख से दुखी होकर धीरे धीरे चलकर एक नगर से दूसरे नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, हे बेटी, तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बड़ी वृद्ध हूँ, बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आई तो बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी
को अपने साथ से दूर करने के लिए कह दिया। रानी एक तेली के घर गई। तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा को देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत ही दुख पाती हुई सरता के तट पर पहुंची। सरता का समस्त जल सूख गया। रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल का सदृश जल गंदा हो गया। रानी के भाग से दोष अर्पण करते हुए जल का पान करके पेड़ से शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते रहे। वन सरोवर जल की ऐसी दशा को देखकर गौ चराते वालों ने अपने गोसाइयों जी इस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही। गोसाई जी के आदि संसार ग्वाली रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की सुख क्रांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जान गए अवश्य कोई विधि की गति की मारी हुई कुली नवला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी बड़ी दुखी हुए। रानी से बोले हे बेटी तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने भगवान शंकर जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। पुजारी भगवान शंकर जी ने अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले पुत्री तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करो। उनके प्रभाव से आपने इस कष्टों की मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि पूर्वक संपन्न किए। 17वें सोमवार को पूजन के प्रारंभ से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ। रानी को वही बहुत समय बीती तो गया है ना जाने कहाँ होगी भटकती रही होगी ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचकर रानी को तलाश करने वाले दिशाओं में दूत भेज दिए। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में आई। रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौटे आकर महाराज के सम्मुख रानी की पता बतलाने लगे। पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी ने प्रार्थना करके कि महाराज यह देवी आपके आश्रम में रहती है, यह मेरी पत्नी है। भगवान शंकर जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया है। अब इस पर भगवान शंकर जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आप इस मेरे साथ चलने के लिए आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधाई बजने लगे। नगर निवासियों की नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध प्रकार की नगर सजाए गए। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों से विविध वेद मंत्रों से उच्चारण करते हुए राज रानी का आगमन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत बुलवाए। भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार राजा भगवान शंकर जी की कृपा से पात्र राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों से भोगते रहते सोमवार का व्रत करने लगे। विधवर भगवान शंकर जी के पूजन करते हुए लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगने कर भगवान शंकर जी के द्वार पधारे। जो मनुष्य मनसा से वाचा से कर्मणा से भगवान शंकर के 16 सोमवारों के व्रत को करता है उसके सभी मनोरथें पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। आपको पंडित देवीश पाराशर के द्वारा सोमवार व्रत कथाओं के बारे में श्रवण कराया है, जिनके सुनने से भगवान शंकर जी अति ही प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की।